हेलो फ्रेंड्स, अमित कुमार डायरीज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूँ इस वक्त कर्नाटका के हुबली में और अभी मैं बैठा हूँ हुबली रेलवे स्टेशन के कैंटीन में लंच के लिए। और अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता ही होगा मैं बॉम्बे से हुबली आया हूँ। तो कर्नाटका में एक हफ्ते रहने वाला हूँ। कहाँ जाऊँगा, कितने दिन रुकूँगा वो अभी फिक्स नहीं है, सिक्वेंस फिक्स नहीं है, क्योंकि मेरा यहाँ हुबली में कुछ पर्सनल काम है तो वो मैं पटाने के बाद में फ्री हो जाऊँगा, उसके बाद डिसाइड करूँगा। क्योंकि वो काम हो सकता है आज ही ख़त्म हो जाए, हो सकता है कल, हो सकता है परसों, तो देखते हैं क्या हो सकता है। तो अभी लंच करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। और लंच के पहले मैं आपको बता दूं, कैंटीन इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी कैंटीन मैंने इंडिया में कहीं नहीं देखी, और इतना साफ़ सुथरी और वैरायटी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने मसाला डोसा का ऑर्डर किया है, तो मसाला डोसा खाते हैं फिर उसके बाद मिलते हैं। बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। बीच बीच में मीठा आ रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था, फिर मुझे अभी भी किशमिश दिखी है, फर्स्ट टाइम डोसे में किशमिश। अब काजू की बारी है। बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है, बहुत मज़ा आ रहा है, भूख भी बहुत तेज़ लगी थी। कभी हुबली ट्रेन से आइए तो यहाँ पर 2 मिनट के लिए रुक करके कुछ ना कुछ खा कर जाइए, बहुत ही बढ़िया है। और अपना तो काजू किशमिश वाला डोसा खा करके मामला टना टन हो गया, और अब तो चाय पीने की भी गुंजाइश नहीं है। और ये आ गए हम बाहर, चलिए चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, और सनसेट के साथ ही हमारा हुबली को भी बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। हाफ रहा हूँ, बहुत भग कर के आया हूँ। शाम की 6:20 की ट्रेन है और 6:15 हो गए हैं, 6:13 हो गए हैं। तो हम जा रहे हैं हम्पी, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। हुबली जिस काम से आया था, वैसे तो मुझे लग रहा था कि आज और कल 2 दिन में होगा, लेकिन वो 2 घंटे में ही हो गया। तो मैंने नेट में चेक किया तो ये 6:20 की ट्रेन थी। हम्पी जाने के लिए हमें उतरना पड़ता है हॉस्पेट, तो अगले 3 दिन में रहूँगा हम्पी में, तो आपको शानदार हम्पी का टूर कराऊँगा। और देखिए ना, ये तिरंगे से नेचर का कलर मैच हो रहा है ना, ऊपर बादल जैसा लालिमा है, ऐसे हमारे झंडे का ऊपर कलर है, और नीचे जैसा ग्रीनरी है ऐसी हमारे झंडे में मस्त कलर है। इस ट्रेन का नाम ही है हम्पी एक्सप्रेस, और ये हुबली से बनकर के चलती है और मैसूर तक जाती है। और 6:20 का टाइम है इसका हम्पी से चलने का, और ये सुबह 9:20 पर, यानी पूरे 15 घंटे बाद 780 किलोमीटर की जर्नी तय करके पहुंचती है मैसूर। और जिस डब्बे में मैं बैठा हूँ जनरल के, ऐसा डब्बा मैं दावा कर सकता हूँ कि आपने पहले नहीं देखा होगा। और ये साउथ वेस्टर्न रेलवे की ट्रेन है, इसे साउथ वेस्टर्न जोन ऑपरेट करता है। और आइए एक लुक लेते हैं इस ट्रेन के जनरल डब्बे का, क्या हाईटेक जनरल डब्बा बनाया है, जो नए डब्बों में आ रहा है कि अगर वॉशरूम खाली है तो ग्रीन रहेगा, और अगर भरा हुआ है तो ऑक्यूपाइड रहेगा। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये ऑक्यूपाइड है और ये वैकेंट है। यहाँ पर आप अपना सेविंग किट वगैरह रख सकते हैं, इसलिए जगह दी गई है। और यहाँ पर एक छोटा सा वॉश बेसिन, और दिया गया है। हालांकि अभी पानी नहीं आ रहा है, लेकिन अगर इसमें पानी आता तो फिर मज़े ही आ जाते।
और यहाँ पर अगर आप खड़े होते हो तो ये पहली बार दिया गया है ग्रिल, कुछ नई नई चीज़ें दी गई। और जो सबसे अच्छी चीज़ दी गई है वो है यहाँ मेरे लेटने के लिए ये गद्दी दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि जो जनरल क्लास में ऊपर वाली सीट है उसमें जनरली हमने जब अभी तक देखे हैं उसमें लकड़ी के पट्टे या स्टील की रॉड बिछी होती हैं जिसमें अगर कभी लेटना पड़े तो बहुत दिक्कत होती है। और अब तो जो नए डब्बे बन रहे थे उनको इतनी हाइट पर कर रहे थे तो उसमें सिर्फ सामान ही रख सकते थे, ट्रेन खाली भी पड़ी रहे तो उसमें चढ़ कर के बैठने में बहुत दिक्कत होती थी, सिर्फ या तो सामान रख सकते थे या तो लेट सकते थे, जो कि मेरे हिसाब से तो गलत था। और यहाँ पर तो देखिए इसको दोबारा फिर से नीचे कर दिया गया है और इसमें फोम की ये गद्दी बिछा दी गई है तो इसमें जो कोई भी लेटे तो अच्छा है। और LED लाइट दी गई है, मैं इसे कहूँगा कि प्रीमियम जनरल क्लास का डब्बा है और बहुत ही अगर सब जगह ये आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। कोई जनरल के डब्बे में भी आना चाहे तो ऐसे आराम से ऊपर वाली बर्थ में सोते सोते जा सकता है, ऐसी राम दया है साउथ इंडिया में ट्रेनों की। काश ऐसी राम दया नॉर्थ इंडिया में भी हो जाए तो मज़ा आ जाए। तीन घंटे हैं क्योंकि मैं 140 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद में 9:30 बजे पहुंचूंगा हॉस्पेट, तो मेरे को क्योंकि दिन भर की भागम भाग और कल भी भागम भाग बहुत रही थी तो मैं चाहूंगा कि मैं 1.5 घंटे के लिए सो जाऊं। अब सोने की कोशिश करते हैं, मिलते हैं जगने के बाद अगर नींद आ गई तो। और आ गए हैं हम हॉस्पेट और मुलायम सीट मिल गई तो उसका पूरा फ़ायदा उठा लिया और 1.5 घंटे के लिए सो गए। अब आ तो गए हैं रात को 9:30 बजे हॉस्पिटल और हम्पी है यहाँ से 20 किलोमीटर। और जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ प्रोग्राम फिक्स नहीं था क्योंकि मुझे हुबली में कितना टाइम लगेगा वो कुछ फिक्स नहीं था, इसलिए मैंने प्रोग्राम किया नहीं था, होटल वगैरह बुक किए नहीं थे, तो बिना होटल का हूँ। तो जैसा कि मेरा फेवरेट है कि मैं पहले रिटायरिंग रूम या डॉर्मेट्री देखता हूँ स्टेशन में ही, तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही रूम हैं रिटायरिंग रूम है, तो अगर वो खाली होंगे तो उसमें बुक कर लेंगे और रात को यहीं लंबे हो जाएंगे। और सर चेक कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ऑनलाइन कर लेते हैं ना, जैसे मैंने हुबली में ऑनलाइन करके आया था तो देख रहे हैं कि अगर ऑनलाइन बुक नहीं होगा तो कह रहे हैं मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि ऑफलाइन भी बुक कर सकते हैं। छोटी सी बैड न्यूज़ है कि दोनों रूम बुक थे ऑलरेडी ऑनलाइन, तो मेरे को बाहर भटकना पड़ेगा। और मैं आया हुआ हूँ हॉस्पिटल एक बार, हम भी नहीं आया हुआ हूँ तो कुछ दम नहीं है हॉस्पिटल में। मैं रेलवे स्टेशन से आ गया हूँ हम्पी बस स्टैंड, 1 किलोमीटर था, और यहाँ से मैं बस पकड़ के जा रहा हूँ कमलापुर जो कि मेन हम्पी में ही है, और वहाँ पर मैंने एक डॉर्मेट्री बुक कर ली है जहाँ मुझे कल वैसे भी रुकना था, तो मैं सोच रहा था आज रात यहाँ को रुक जाऊँ फिर सुबह जाऊँगा, लेकिन मैं डायरेक्ट वहीं जा रहा हूँ और बस मिल गई है। अब ये देखना होगा कि वहाँ से बस स्टैंड से वो होटल कितना दूर है, क्योंकि अगर दूर होगा तो शायद ऑटो नहीं मिले, लेकिन चलते हैं, बस स्टार्ट हो गई है। छोटा सा सफ़र है 11 किलोमीटर का, खड़े खड़े जा रहे हैं कोई बात नहीं, और 15 रुपये फेयर है और 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। बस वहाँ जा करके कुछ डिनर प्रसादम मिल जाए क्योंकि 10 बजने वाले हैं। यहीं हमको जाना है, 500 मीटर है, ऑटो नहीं है, पैदल जाना है। और हम आ गए हैं होटल के अंदर, ये KSRTDC का होटल है, मींस कर्नाटक, ऐसे समझिए इजी लैंग्वेज में कि कर्नाटका सरकार का होटल है, और ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है, और जो रिसेप्शन है वो यहाँ से 300 मीटर है, और कोई तेंदुआ अगर आकर के मुझे दबोच ले तो आप लोग बचा लीजिएगा।